नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो गया है बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, आज पूरे देश और दुनिया में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ट्वीट कर ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, राफेल विवाद पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी ने कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल को लीगल नोटिस भेजकर कहा है कि शेरगिल वही बातें बोलो जिसका तुम्हारे पास सबूत हो, नहीं तो इसके लिए हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज ब्रिटेन और जर्मनी के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वे प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव की रूपरेखा विदेश में ही तैयार करेंगे। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरदास कामत का आज दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित प्राइम हॉस्पिटल में निधन हो गया। 63 वर्षीय कामत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी रह चुके थे। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, आम आदमी पार्टी के बागी नेता कुमार विश्वास ने आप नेता आशीष खेतान के सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने पर केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि बौनों का दरबार बनाकर क्या पाया। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर में इस पद पर रहने वाले 51 साल के बाद पहले राजनीतिज्ञ चुने गए हैं। आपको बता दूं कि सत्यपाल मलिक समाजवादी नेता के तौर पर अपना राजनीतिक करियर शुरू किए थे। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू का बचाव करते हुए कहा कि अगर अटल जी और पीएम मोदी शरीफ को गले लगा सकते हैं तो सिद्धू बाजवा से गले क्यों नहीं मिल सकते। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, पंजाब के गुरदासपुर से कांग्रेसी सांसद सुनील जाखर ने राफेल डील मामले में पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा बच्चों का खेल नहीं, प्रधानमंत्री को देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, ताज नगरी आगरा की पूर्व मेयर व भाजपा नेत्री बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की नई राज्यपाल नियुक्त की गई है। वह वर्ष 1995 में आगरा की मेयर रह चुकी हैं, इसके साथ ही वह राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता किरण चौधरी ने खट्टर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी राज में मुस्लिम और खट्टर राज में हिंदू मुस्लिम दोनों असुरक्षित हैं। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के कारण मुश्किल दौर से गुजर रही है। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नीतीश सरकार मुजफ्फरपुर कांड के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने एक पुस्तक विमोचन के दौरान कहा कि भारत में नीतियां नेतृत्व की पसंद और नापसंद से तय होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में नीतियां काफी हद तक लोगों के हिसाब से बनाई जाती है, आमतौर पर इसका तालमेल राष्ट्रहित से नहीं होता। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान दौरे पर उनका बचाव करते हुए सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि मैं सिद्धू का मेरे शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान आने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, वह शांति के दूत हैं और उन्हें पाकिस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, जो लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं वे उपमहाद्वीप में शांति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग के संतूर साबुन ब्रांड ने हिंदुस्तान लीवर के लक्स को पीछे छोड़ते हुए वॉल्यूम के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शॉप बन गया है। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के अनुसार एक व्यक्ति के लिए हफ्ते में 39 घंटे या इससे कम काम करना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है।
और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर उन लोगों के लिए अच्छी खबर जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स ऋषिकेश में 668 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती कर रहा है। आवेदक बीएससी ग्रेजुएट होना चाहिए और आवेदन की अंतिम तारीख है 14 सितंबर। आवेदक एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsrishikesh.edu.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, ब्रिटेन में इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। और आपको बता दूं कि अगला टेस्ट मैच 30 अगस्त से खेला जाएगा। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, बॉलीवुड के दबंग खान ने अटल जी के निधन के 5 दिन बाद ट्विटर पर ट्वीट कर शोक जताया है, जिससे ट्विटर यूजर काफी नाराज हुए और उन्होंने सलमान खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, खबर है कि देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स की शादी में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और प्रिंसेस मैगन मार्कल शामिल हो सकते हैं। पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी ताकि सभी लोगों को उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर मिल सके। इसकी शुरुआत दिल्ली में अटल जी के कार्यस्थली से हो रही है। पिछले महीने पीएम मोदी के फिटनेस वीडियो को बनाने में कितना खर्च आया है, ये पूछने के लिए आरटीआई के जवाब में पीएमओ ने कहा कि पीएम मोदी के इस फिटनेस वीडियो को बनाने में कोई भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। यह वीडियो पीएम आवास में ही बनाया गया है, जिसकी वीडियोग्राफी पीएमओ के कैमरामैन ने की थी। इस वीडियो को बनाने में सरकार को कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी थी। रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने एक निवेदन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद का पत्र भेज सरकार की तारीफ की है। पोर्टेबल पेट्रोल पंप की तकनीक को पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसकी तकनीक को विकसित करने वाली कंपनी एलिंज ग्रुप आज इसकी औपचारिक घोषणा कर सकती है। आपको बता दूं कि इस तकनीक में मात्र 2 घंटे में पोर्टेबल पेट्रोल पंप लगवा सकते हैं और जब चाहें इसे हटवा भी सकते हैं। केरल में बाढ़ से आई आपदा में सहायता के लिए सभी तरफ से हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। जहां देश के विभिन्न राज्य एवं संस्थाएं मदद कर रही हैं, वहीं विदेश से भी केरल के लिए मदद भेजने की पेशकश की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने 15 साल पुराने देश की नीति के कारण विदेश से सहायता लेने से इनकार कर दिया है। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ऐसे नेताओं की लिस्ट तैयार कर रही है जो बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, और इन नेताओं को हिदायत दी जा रही है कि वे चुनाव तक अपने बयान को काबू में रखें। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने काफी दिनों से चल रहे अपने इस्तीफे की खबरों को सफाई देते हुए ट्वीट किया कि मैं पूरी तरह वकालत में जुटा हूं और फिलहाल किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हूं, बाकी सब कुछ अटकलें हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की ग्लोबल बॉडी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BCIS के डेटा पर आधारित सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय नागरिकों द्वारा टैक्स हेवन देशों में जमा करने वाली रकम में 2013 से 2017 के बीच बड़ी गिरावट आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद एक शोक प्रस्ताव पढ़ा गया व 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में 9 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला अग्रिम जमानत के लिए हुआ है, जिसके तहत अब कुछ मामलों को छोड़कर हाई कोर्ट में नहीं लोअर कोर्ट में अग्रिम जमानत मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव के दामाद IAS अधिकारी अजय यादव को आखिरकार यूपी सरकार से NOC मिल गई है। अजय यादव वर्तमान में यूपी भूमि सुधार निगम के MD हैं। वह मूलतः तमिलनाडु कैडर के हैं, लेकिन कुछ सालों से यूपी कैडर में प्रतिनियुक्त हैं। उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि इस दिसंबर को खत्म हो रही थी, लेकिन अब वे आगे भी यूपी में रह सकेंगे। ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।